चार साल से यही एग्जाम दे रहे हो, अब की बार तैयारी करके आए हो कि नहीं? सर मैं तो तैयार, आप तैयार हो? अच्छा चल शुरू करते हैं। एक्सरे आराम से आराम से। डिसजॉइंट सर। कभी देखा है डिसजॉइंट? एंकल है, रखो। नेक्स्ट। फीमर? हाँ फीमर सर। कभी देखा है फीमर? ह्यूमरस बोन है, रखो। का अच्छा सा नाम है। अच्छा सा नाम? Yes, क्या नाम? जल्दी बोल। इनस। कभी देखा है इनस? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अरे यार तुमको, यार तुम अलग से शांत हो रखी हो, तुम दोनों का एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया क्या? ऐसा लग रहा है बर्फी के अंदर गीत आ गई। और जब भी मैं ना, हमारी फेवरेट पिक्चर है। ओ तो हमें भी हो रहा है स्ट्रेस केसी भाई के लिए। और मेम्स, तुम्हारे तो जे मलकी करेंगे, एस्त्री से नहीं मानेंगे हम। अरे मेम्स, तुम्हें क्या इतना टेंशन हो रहा है, तुम एस्त्री पिला देना। चलो आओ यार, चलो। भाई एक दिन पढ़कर कंग्रेचुलेशन, आप लोग लास्ट आए। नाउ टॉप थ्री, रैंक थ्री, अजय। अरे बैड यार। रैंक टू निकिता, एंड रैंक वन, रैंक वन साक्षी सचिन पिलगांवकर। आई शपथ। बोलिए किसी। मैम मेरा रैंक मैं फेल नहीं हो सकता, मेरे सारे आंसर करेक्ट थे मैम। The only correct thing in your answer sheet is your marks. Good morning. Sit down, Rajiv. I hope you all have received your results. Congratulations. And condolences. Sakshi,
We all know how much efforts you have put in to reach here. Hmm? Keep up the good work. Thank you, ma'am. We're proud of you. मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं फर्स्ट आ गई. मतलब मैंने पढ़ाई की पर हमारे पेट में दग दग होता है. उमा, जब तू फर्स्ट आती थी तेरे पेट में भी ऐसे दग दग होता था यार. ये हमारे टॉपर, इनके पेट में दग दग होता है यार. आकाश, आकाश को पता गया जाओ. नहीं, मैं ना दादा को फोन करूंगी. अरे यार, अरे ये रहा तुम्हारा फोन यार. ये सेल्फी लेते हेलो. अरे मैं स्माइल करना. अरे सब बंद करो ना. हाँ, फर्स्ट फर्स्ट दादा को ये भेज देते हैं. क्या भेजो? दादा को भेज के आकाश. एकच नंबर. अगर मैं फर्स्ट आ सकती हूँ तो तू भी नीट क्रैक कर सकता है. हो ताई, अनअकैडमी के बारे में बताने के लिए थैंक यू. वैसे तो स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ और चीजें समझ में भी आ रही है, पर कुछ डाउट्स हैं. आपके पास टाइम हो तो बताना. बैठ तो सकते हैं, पर तू एक काम कर, तू ना अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले. उससे तेरे जितने डाउट्स है ना सब क्लियर हो जाएंगे और जितनी क्लासेस अटेंड करना चाहता सब कर सकता है. और मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा तू कितने पानी में हो. का आओ, टेंशन मत ले. चलो थैंक्स ताई. ताई आप टेबल पे जाइए, मैं ऑर्डर और बिल लेके आता हूँ. अरे जाओ. बोलो वेंकट. अबे ये विटामिन B12 की जो गोली है उसको आधी तोड़ के विटामिन B6 की तरह ले सकते हैं क्या? भाई तुम सही में भूते हो, कैसे क्रैश कोर्स किए हो? तो तुम्हारे चक्कर में उस दिन हम रस्टिकेट होने वाले थे तो मैं भाई यार उस दिन. हेलो भाई. अच्छा फोन रखो यार, डॉक्टर साहब का फोन आ रहा है. अरे डॉक्टर साहब को हमारा नमस्ते बोल रहे. नमस्ते रखो यार तुम फोन. चलो चलो बाय बाय. हाँ पापा. डब्बू कांग्रेचुलेशंस. काहे? पास हो गए ना. अगर मेहनत की होती तो और अच्छा कर सकते थे. पापा यार आप मंजरी बुआ से कम बात किया करो, उन्हीं की तरह हमें ताने दे रहे हो. अरे नहीं बेटा, हम लोग सच में बहुत खुश हैं. तुम्हारी बुआ ने तो तुम्हारे नाम से FD भी करा दी. 7,500. पापा इतने सारे रुपयों का क्या करेंगे? सोचे कहीं हम फर्स्ट आके ना मंजरी बुआ को हमारे नाम पे प्लॉट बुक करना पड़ेगा. अरे हाँ हाँ आओ तो सही पहले. आ जाएंगे पापा. आप बताओ खाने में क्या खाए? हाय अम्मी. हाय बेटा, कब से कॉल कर रही हूँ तुझे, कहाँ थी? सॉरी मैं दोस्तों के साथ बाहर गई थी. अरे रिजल्ट की ट्रीट भी दे दी, क्या रैंक आया? फोर्थ आई. दैट्स ग्रेट बेटा. या फोर्थ अच्छा रैंक है उमा.
ऑफ कोर्स। अच्छा ये बताओ बाकी दोनों का क्या रैंक आया? निशांत बैरली पास हुआ। अरे वाह, वो पास हो गया। और साक्षी? साक्षी साक्षी फर्स्ट है। ओ व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग अम्मी? हुमा मेरा बच्चा तुम रो क्यों रही हो? मैं फोर्थ कैसे आ सकती हूँ? हुमा इतनी पढ़ाई की, दैट शुड हैव बीन मी। बेटा इट्स ओके, दिस इज जस्ट अनफेयर। आई वर्कड सो हार्ड। हुमा यू आर सो क्लोज। एग्जैक्टली, I was so close. That's what makes it worse. I feel like a failure. ऐसे नहीं सोचते बेटा। तुम्हें पता है ना कि तुमने मेहनत की, right? Right. तुमने अपना best shot दिया, right? Right. And your mother is always right, right? अच्छा डॉक्टर बनना इम्पोर्टेंट है, हमेशा फर्स्ट आना नहीं, ओके? और वैसे भी ये तो प्रीलिम्स है ना, मेंस तो भी बाकी है। चलो चिनाब चिनाब। आई गेस फोर्थ इज नॉट सो बैड। ऑफ कोर्स नॉट। मैंने शायद इस सब के बारे में ओवरथिंक कर लिया। बेटा सब ठीक होगा, बस तुम अब रोना मत करो, प्लीज। ओके। चलो टेक केयर। ओके मैं रखती हूँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। ऑटोले को इसने मारा और अपन से सबूत कटवा रहा है। डाइसेक्शन में कब से थोरैक्स पे अटके पड़े, एब्डोमेन पे जा ही नहीं रहे, सारा मजा तो उसमें है। मेरे को बाटोले में घुसना है। मतलब एब्डोमेन में ही तो मालूम पड़ता है ना ऑर्गन्स के बारे में। झूठ मत बोलो, हमें पता है पाटोले पे क्रश है यार। गाइस निकम इज फॉलोइंग एन ऑर्डर। फर्स्ट ही टॉट अस अपर लिम्स हेड एंड नेक, नाउ ही इज टीचिंग अस थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन एंड देन द थर्ड पार्ट। पता है मेरे को लगता है उसको ना कंटाला आ रहा है, उसको पढ़ाना ही नहीं है ना। कंटाला ना उसको व्हाट? अरे उसको ना रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाना चाहिए। और फिर क्लास कौन लेगा? तुम। स्टॉप किडिंग योरसेल्फ साक्षी। आकाश, आकाश, तुम्हें क्या हो गया? अबे S3 लगता है। अबे मैं आ रहा हूँ। अरे भाई तुम यार, हम अकेले। Mames, congrats. What for?
तो फोर्थ आई ना। साक्षी यहाँ चली जा, फ्रेश अच्छा यहाँ का। बाहर आओ। आप बाहर जाओ, बॉयज टॉयलेट है। चार दिन से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी था। ऐसा कौन सा काम आ गया तुझे? बाहर आ। काय झालं सांग ना। बाबाना सगळं माहित पडला, उन्होंने मेरी सारी नोटबुक्स ले ली और फोन भी। और तूने दे दिए? आपने तो देखा है ना बाबा को, उनसे कौन झगड़ा करेगा। तुझे पढ़ना है तो ठीक है, मैं तुझे नया फोन ला के दूंगी। ताकि नीट क्रैक भी कर लिया तो क्या फायदा, पापा कैफे छोड़ के जाने नहीं देंगे। ये सही है, खुद डॉक्टर मत बन पर पूरी जिंदगी डॉक्टर को ऐसे ही पिलाते रहे। ताई सब ना अपने बाबा से लड़ नहीं सकते। आकाश को डॉक्टर नहीं बनना, पढ़ाई छोड़ रहे, क्या बकवास है। उसको समझ में क्यों नहीं आता है कि हम जैसे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ना आसानी से मिलती नहीं है। हम जैसे लोग मतलब? अरे ये तो मैं बाजू में रख रही थी। I'm not stupid, साक्षी। मैंने कब कहा, मैं आकाश के बारे में बात कर रही थी। यू नो इट्स बेटर टू कीप योर माउथ शट एंड अपीयर स्टूपिड रादर देन ओपनिंग इट अप एंड रिमूविंग ऑल डाउट। मार्क ट्वेन हैज सेड दैट। डू यू इवन नो हु दैट इज? मैं ना ये कह रही थी कि आकाश को मेहनत करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स, क्योंकि और लोगों को तो मेहनत करने की जरूरत नहीं होती ना, उनको इंग्लिश आती है तो उनकी लाइफ आसान है, सॉर्टेड है। और चीजें तो उनको ऐसे ही मिल जाती हैं, राइट? मैं ये कह रही हूँ कि आकाश को ना मेरी मदद की जरूरत है। क्यों? क्यों तुम्हें लगता है कि हर किसी को तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्यों ये जगमाता बन के घूमती रहती हो तुम? Is it because you want to feel good about yourself? तुम ना किसी की मदद करती नहीं हो, तुम सिर्फ मदद लेती हो। और फिर वो फोर्थ आते हैं। तेरे को क्या लगता है, तूने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी तो सारे मार्क्स तेरे हो गए? थोड़ी रात बैठ के मैंने तुझे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट समझाया है। हाँ, वो एग्जाम में भी नहीं आया। ओ, तो वो मेरी गलती है। हाँ, तो ये मेरी गलती नहीं है कि तू फोर्थ आई है। तू ना तेरे हिस्से का वेंकट, तेरी बुक्स, तेरे नोट्स, तेरे जर्नल्स और ये ना लूजर वाले आंसू पोछने के लिए काम आएगा। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है साक्षी? मुझे ये पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है, और तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू फोर्थ आई है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फर्स्ट आई हूँ। You don't have that effect on my life. तेरे को मालूम है तेरे को इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? क्योंकि क्या है ना, तूने लाइफ में फेलियर्स नहीं देखे थे और अभी क्या है, तेरी दुनिया खुल रही है और तेरे को मालूम पड़ रहा है कि तू अकेली शानी नहीं है, तेरे से और स्मार्ट लोग हैं। और क्या, तू ये एम्स की सीट जो छोड़कर आई थी, तेरे को क्या लगा कि यहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा? कॉम्पिटिशन है, अरे कॉम्पिटिशन राना राज। You're no competition for me, man. असाध्य ते साध्य, करिता सयास, कारण अभ्यास। संत तुकाराम ने कहा। Do you even know who तुकाराम is?
छोटा सा ये गुस्सा बड़ा उछल रहा है, चल पूछे उसी से क्या चल रहा है, हो कुछ पता तो कुछ बता दे, ना समझी कोई कैसे समझा दे, घर है वही पर सीलन नई, खयालों से खयालों की ढंसी गई, ना तुमने सुनी ना मैंने कही, चल रही अनकही पल रही अनकही, क्या चल रहा है यार तुम लोगों का, बताओ यार, एक सीट के पीछे लड़ रहे हैं। साक्षी आजा, तू यहाँ बैठ जा। उमा तू बैठ जा। मरो यार। अरे क्या पागल वागल हो रखे हो यार, तुम लोग का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। स्टे आउट ऑफ इट ना। अरे नहीं रह रहे यार हम स्टे आउट, हफ्ते से देख रहे तुम्हारा कोल्ड वॉर चल रहा है, ये वाला वॉर चल रहा है। साक्षी उमा को सॉरी बोलो, उमा साक्षी को सॉरी बोलो, खत्म करो। क्या बवाल हो गया यार, क्या बवाल हो गया, इस बार वो फर्स्ट आई, अगली बार तुम आ जाना। वाह कितना ब्रिलियंट प्लान है, कौन सी बुक में पढ़ा तुमने? ओह वेट, तुम तो कोई किताब पढ़ते नहीं हो ना। यार हम कहां से बीच में आ गए? हाँ तो मत आना बीच में, जो करना है कर, कैडवर गिरा मुर गया छोड़, आई डोंट केयर, और वैसे भी तू तो अनटचेबल है ना, राजवीर सिंह का बेटा है। पागल हो गई है क्या, कैसे बात कर रही है? साक्षी हमारे फर्स्ट आने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाएंगे और ये भाई साहब पास आउट होते ही जाके क्लिनिक में बैठ जाएगा। हाँ बैठ जाएंगे, बिठा देंगे पापा, तुम्हारी जल रही है क्योंकि तुम्हारे पापा नहीं बिठा सकते। ओ अरे इनके तो पापा ही नहीं यार, बचपन में छोड़ के भाग गए। निशांत येड़ा हो गया क्या, सॉरी बोल। नहीं बोलेंगे सॉरी बोल। अरे नहीं बोलेंगे तो क्या कर लोगी, दादा के पास जाओगी या आकाश के पास जाओगी? हम नहीं होंगे ना तुम्हारी बकवास सुनने के लिए, कोई होगा नहीं। तू ना सही बोलता है कि तेरे को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, अगर गलती से तू डॉक्टर बन भी गया ना तो अच्छा है कि तेरे पेशेंट्स तेरे पास आने से पहले ना खुद ही तड़प तड़प के मर जाए। हाँ अच्छा है तो मर जाएंगे तो, और तुम क्या देख रहे हो यार हमें, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। दोस्तों के बीच कंपटीशन कराएंगे, तुम ना अच्छी डॉक्टर बन जाओगी, मैं दोस्त नहीं कमा पाओगी। कुछ चक क्या सैफ निशांत, हमें क्या देखा बुक में देखो। ताई आप लोग लड़ क्यों रहे हो? अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तंदूर कौन आएगा? सब अकेले अकेले आएंगे और आपका मूड भी इतना खराब है। ताई अगर आप लोग का ऐसा सॉर्ट नहीं होगा तो मुझे नीट में कौन हेल्प करेगा? ज्यादा शाणा मत बन, अगर डाउट्स की बात है तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले, उससे तेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और टॉप एजुकेटर से तेरे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। And let's crack it. Let's crack it. ओ हैमलेट, मैं तुझे पूरे हॉस्टल में ढूंढ रहा हूँ भाई, तेरा मुंह क्यों उतरा है बे? पेट खराब है?
साले मैं बोलता हूँ ये कैंटीन का सड़ा हुआ आइसक्रीम मत पिया करो।